दोस्तों रियलमी 11X और रियलमी नार्जो 60X 5G के अंदर जो न्यू अपडेट आया हुआ था 57 MB का, उसका फुल रिव्यू वीडियो फाइनल में आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर जो है आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और यहाँ पर आपको जो है क्या क्या न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं। ये 57 MB का अपडेट है तो ऑब्वियसली आपको पता है ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिले हैं। तो देखो एक्चुअली में मैंने जो है अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर जो है एक महीने में हमें दो दो अपडेट्स देखने को मिले नार्जो 60X 5G के अंदर। अब हो सकता है कि सेम टू सेम अपडेट जो आपको रियलमी 11X के अंदर भी देखने को मिला होगा। तो देख सकते हो ये वाला अपडेट आया हुआ था और इसके अगर आप लोग चेंज लॉक के अंदर जाते तो सेम टू सेम पिछले वाले जो अपडेट है उसी का चेंज लॉक आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम वही चेंज लॉग जो है आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और जो इवन जो इसका यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलता है वो भी आपको ओल्ड वाला ही देखने को मिलता है। लेटेस्ट कोई भी यहाँ पर आपको दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल गाइस जब मैंने अपडेट जो है यूज़ किया तो अपडेट के अंदर मुझे कुछ भी जो है इसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई भी न्यू फीचर देखने को नहीं मिला, ना ही कोई बग्स फिक्स यहाँ पर हुआ है। तो गाइस अभी जो करंटली डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, अभी बिल्कुल भी डिवाइस जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है। मैं जैसा एक गेम यहाँ पर BGMI खेल रहा हूँ, देखो मेरे डिवाइस के अंदर BGMI इंस्टॉल है, तो बिल्कुल भी डिवाइस में जो है परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस है, बिल्कुल लो क्वालिटी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा करंट टाइम में रियलमी नार्जो 60X 5G। यानी कि जितने भी अभी 6100 प्लस वाले जो प्रोसेसर है सभी के अंदर आपको इसी तरीके से घटिया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर यह प्रोसेसर की गलती या फिर सिस्टम UI की गलती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस है वो अभी काफ़ी ज़्यादा घटिया दे रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी यही डिवाइस फाइनल मतलब जो है कुछ ही दिनों पहले डिवाइस लॉन्च हुआ है, तो इसको है लॉन्च होने के बाद मैं आपको आगे जो है कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे बग फिक्सेस के, उसके बाद आई थिंक थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन करंटली वाइज जो परफॉर्मेंस है इस डिवाइस का वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बिल्कुल भी आपको परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलेगा, ना ही आपको रैम मैनेजमेंट बढ़िया मिलेगा। आप गेम को जैसे ही हटाओगे BGMI में, फिर कोई भी बड़ा गेम होगा अगर आप बैकग्राउंड से उसको हटाते हो बैक करते हो और जैसे ही गेम खोलोगे यहाँ पर आपका एक क्लिक में जो बैकग्राउंड है, आप अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ BGMI को अगर आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपका इस डिवाइस के अंदर नहीं होगा। इतना घटिया आपका इसके अंदर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है, बल्कि इसके अंदर जो आपको एक्स्ट्रा में 4GB रैम देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4GB रैम मैंने लिया है वह वेरियंट, और एक्स्ट्रा में मुझे 4GB रैम ऐड करने का ऑप्शन है, फिर भी गेम जो है एक गेम नहीं चलता है। तो देखते हैं अगर कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है इस चीज़ को लेकर तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यही था वीडियो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।